हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद है आप लोग सब बहुत ही अच्छे होंगे। और ये संडे का वीडियो क्लिप है फ्रेंड्स। और सुबह में मुझे लेट हो गया था उठने में, तो देखिए धूप कितना कड़ा निकल गया है। और कड़ा उतना भी नहीं है, ज़्यादा धूप नहीं लग रहा है और बादल भी छाए हुए हैं, लेकिन फिर भी धूप है। तो बहुत ही ठंड बढ़ गया है फ्रेंड्स, इधर बहुत ज़्यादा ही ठंड लग रहा है। स्वेटर और कम्बल ओढ़ के भी सोने से कोई भी ठंड कम नहीं कर रहा है, कम्बल ही है सब। और उसके बाद मैं ऊपर से मैं नीचे आ गई थी झाड़ू लगाने के लिए। और अभी टिया सोई हुई है, टिया का भी संडे है तो आज वो स्कूल नहीं जाएगी, तो आज सोई हुई है, वो आराम से सोएगी 9 बजे तक। और मैं इधर अपना काम कर लेती हूँ। हम लोग को तो ठंडा चाहे गर्मी कोई भी काम रहेगा, कोई भी मौसम रहता है तो हम लोग को उठना ही पड़ता है। 12 महीना ठंडा गर्मी बरसात कभी भी हम लोग के लिए रेस्ट नहीं है। हाउस वाइफ का कभी भी संडे नहीं होता है। तो मैं देखिए सबसे पहले मैं ऊपर गई थी और उसके बाद में मैं झाड़ू लगा ली, और झाड़ू लगाने के बाद में मैं पोछा लगाऊंगी। और ये है टिया की बड़ी दीदी। और उसके बाद में इधर सासू माँ अपना गर्म पानी कर रही हैं और मेरे हस्बैंड जाएंगे अब दूध लाने के लिए, क्योंकि उनको दूध लाने का समय हो गया है। तो वो डेली दूध लेकर आते हैं, उसके बाद ही मैं बाकी सब कुछ करते हैं वो। फिर उनको ड्यूटी भी जाना रहता है और टिया का तो आज छुट्टी है, तो उनको स्कूल आज नहीं पहुँचाना है टिया को, तो वो उनको सिर्फ आज ड्यूटी ही जाना है, नहीं तो वो अपना काम करके जाते हैं या कोई स्कूल वगैरह छोड़कर। और उसके बाद देखिए मैं हाथ से पोछा लगा रही थी फ्रेंड्स, क्योंकि थोड़ा सा मैंने सोचा कि आज मैं हाथ से ही पोछा लगा दूं, तो इसलिए मैं हाथ ही से पोछा लगा रही हूं। और हाथ से पोछा लगाने से एक्सरसाइज भी हो जाता है, तो मैं हाथ से ही पोछा लगा ले रही थी। और हस्बैंड चले गए थे दूध लाने के लिए, तो वो कुछ बोल रहे थे इसीलिए मैं बार बार पीछे देख रही थी, तो आप लोग इग्नोर कीजिएगा। और बताइएगा कि मेरा वीडियो कैसा लगता है फ्रेंड्स, आप लोग कमेंट करके नहीं बताते हैं। और उसके बाद में मैं झाड़ू लगा ली थी और पोछा लगाने के बाद देखिए फ्रेंड्स आज मैं मकई का रोटी बनाने वाली हूँ। तो मकई का रोटी का मैं जो आटा जो होता है वो मैं उसका सान कर रख लूँगी और उसको ढककर रख दूँगी, ताकि थोड़ा सा उसमें पानी जो है सो अच्छा से मिल जाए, मिक्स हो जाए। और उसके बाद में मैं फिर नहाने के लिए चली जाऊँगी आटा सानने के बाद। तो सरसों का साग नहीं है, मक्की की रोटी और सरसों की साग तो फेमस है, लेकिन आज मैंने सरसों का साग नहीं मैं बनाई हूँ, सिर्फ आज मैं मक्की की रोटी खाऊंगी। तो बताती हूँ कि आगे वीडियो में कि क्या मक्की की रोटी के साथ हम लोग क्या खाने वाले हैं। आप लोग वीडियो में बने रहिएगा फ्रेंड्स, आगे आप लोगों को पता चलेगा। तो मैंने उसको ये करके रख दिया ढककर, और उसके बाद में मैं नहाकर पूजा पाठ कर आ गई थी फ्रेंड्स। और उसके बाद देखिए मैं मकई का यहाँ पर रोटी तवा पर सेक ले रही हूँ, और थोड़ा सा मैं इसमें रिफाइन दे रही थी, और थोड़ा सा रिफाइन देने के बाद थोड़ा थोड़ा करके मैं सेक ले रही थी, और इंडक्शन पे ही मैं सेक रही थी रोटी को। तो ये मैं सासू माँ को निकाल कर दे दूँगी। और फिर उसके बाद देखिए मकई की रोटी के साथ 2 टमाटर, 1 हरी मिर्च और नमक मैं सासू माँ को दे रही हूँ खाने के लिए। ये नया नियम मैंने निकाला है, सभी कोई तो सरसों का साग में खाते हैं, लेकिन मैंने नया नियम निकाला है टमाटर के साथ खाने के लिए। और उसके बाद हम लोग का नाश्ता हो गया था, और उसके बाद में देखिए हम लोग का ये दोपहर का, उधर मैं पानी चढ़ा रही थी चावल बनने के लिए, और इधर मैं पोई साग बना रही हूँ। पोई साग को मैं पहले से ही बना के रख दी थी फ्रेंड, तो इसमें थोड़ा थोड़ा एक दो पत्ता जो है सो पीला हो गया था, मैं उसको छाट कर निकाल ले रही हूँ। और उसके बाद मैं इसको धो दूँगी, और धोकर मैं सीधे यहाँ पर आ गई थी काटने के लिए, क्योंकि धोकर काटने से भी क्या होता है कि पोई साग में बहुत ज़्यादा ही लसक तरह रहता है और बहुत ज़्यादा ही चिपचिपा हो जाता है, तो काटने में दिक्कत होता है, तो इसलिए मैंने इसको धोया नहीं है, धोकर मैं काटूंगी। तो धोकर मैं साग को काटूंगी फ्रेंड, बाकी सब साग को मैं पहले धो लेती हूँ उसके बाद ही मैं काटती हूँ। और पोई साग बहुत ही अच्छा लगता है, और मैं अलग तरीके से ये बनाने जा रही हूँ आज। आप लोग वीडियो में देखिएगा कि मैं कैसे अलग तरीके से बना रही हूँ, आप लोग को भी पसंद आएगा ये वाला साग जो मैं बना रही हूँ। और इधर मैं पोई साग 10 मिनट के लिए छोड़ दी थी पानी में, क्योंकि थोड़ा सा हरा हो जाएगा, थोड़ा सा मुरझा गया था तो वो थोड़ा सा हरापन आ गया उसमें। और उसके बाद में मैं इसे पानी से निकाल कर छान ली हूँ, और गमला था जो मेरा छेदा वाला गमला था, तो उसी में मैं पानी डाल दी थी साग को। और उसके बाद साग का पानी निकल गया था फ्रेंड, तो ये मैं उड़द दाल डाल दी हूँ कुकर में धोकर, और उसके बाद मैं हरी मिर्च टमाटर मैं सभी को डाल दूँगी। और उसके बाद मैं साग डालकर मैं 2 सीटी लगा लूँगी, और 2 सीटी लगाने के बाद में मैं इसको तड़का लगा लूँगी फ्रेंड्स, क्योंकि सीटी लगा लेने से ठीक रहता है, डायरेक्ट तो सीझेगा नहीं, क्योंकि इसमें मैंने उड़द दाल डाली है और ये अलग तरह से मैं बना रही हूँ। और उसके बाद मैं नमक में स्वाद अनुसार डालकर कुकर में 2 सीटी लगाऊंगी। और इधर मेरा चावल भी बनकर तैयार हो गया है फ्रेंड्स, तो चावल को देखिए मैं कैसे उठाकर पसा रही हूँ नया तरीका से ही। और उसके बाद थोड़ा सा मैं गैस पर इसको चढ़ा ले रही हूँ, क्योंकि भात पसाने के बाद थोड़ा सा गैस पर चढ़ाना चाहिए,
तो इसलिए मैं गैस पे चढ़ा ली। और उसके बाद में जब तक ये सब तैयार हो रहा था फ्रेंड, चावल वगैरह बन रहा था, तब तक मैं इधर लहसुन को भी छील कर रख ली थी। और उसके बाद में मैं इसे कटोरी में उठा लूँगी और उसके बाद मैं साग को छेका लगाने के लिए जाऊँगी। और इधर मैं इंडक्शन पे ही छेका लगा ले रही थी क्योंकि अभी लाइट था, तो मैं सोची कि इधर ही हो जाएगा। और उसके बाद में मेरा लहसुन मैंने तेल गरम करके डाल दिया था। और उसके बाद देखिए लहसुन भी जो है मेरा ब्राउन होकर भुन गया है फ्रेंड्स, तो इसको मैं थोड़ा सा लहसुन निकाल लूँगी क्योंकि टमाटर के चटनी में थोड़ा सा ठीक लगता है खाने में, और हरी मिर्च को डालकर। और उसके बाद मैं साग को डाल दी हूँ और देखने में देखिए फ्रेंड्स बहुत ही अच्छा लग रहा है देखने में, और टेस्टी भी बहुत ही बना था। तो आज हम लोगों का सासूमा और मेरा आज यही रहेगा, साग और भात। और हस्बैंड तो सुबह में ही खाकर चले गए खाना, क्योंकि उनको आज मरगिला खाना था, तो इसीलिए मैं उनको आज गीला भात बना के दे दी। और हम लोग मरगिला भी बोलते हैं, आप लोग बताइएगा कि क्या बोलते हैं फ्रेंड्स। आप लोग वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा फ्रेंड्स, और लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा।